हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं कूल स्टार टैग। दोस्तों आज आ गए हम ब्लू स्टार के कोल्ड स्टोर में। ये देखिए, ये है ब्लू स्टार का कोल्ड रूम, जिसका कि डोर स्टॉपर ख़राब हो गया है दोस्तों, जिसकी वजह से डोर प्रॉपर इसमें लग नहीं पा रहा है, जिसमें से एयर सर्कुलेशन हो रही है, टेम्परेचर का इशू आ रहा है। तो दोस्तों आज हम इसका डोर स्टॉपर चेंज करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये प्रॉपर डोर लग नहीं पा रहा है, ये देखिए। तो आज हम डोर स्टॉपर चेंज करेंगे। ये देखिए, हम नया डोर स्टॉपर लेके आए हैं। बट दोस्तों इसमें एक ये प्रॉब्लम है कि ये जो डोर स्टॉपर आया है, इसका जो ऊपर का लॉक है ये वाला, ये दोस्तों इसका मॉडल थोड़ा चेंज है, जो कि अपने आप पुराना डोर स्टॉपर लगा हुआ है, उसके स्क्रू इसमें प्रॉपर बैठ नहीं रहा है। तो दोस्तों इसके जो होल हैं वो आउट हो रहे हैं, उसके लिए दोस्तों हम पुराना स्टॉपर खोल लेते हैं पहले। दोस्तों इसमें इसको निशान लेके नए वाले को हम नया इसमें होल करेंगे ड्रिल मशीन से। हम प्रॉपर उसके चारों ड्रिल कर लेंगे, चारों होल जो हैं उसके। दोस्तों इसके अंदर पफ पैनल रहता है, इसलिए इसमें स्क्रू तो नहीं लगेंगे, क्योंकि स्क्रू अगर लगाएंगे तो फ्री बैठेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम इसमें लगाएंगे, ड्रिल करने के बाद दोस्तों हम इसमें रिपीट गन से रिपीटिंग करेंगे, जिससे कि ये प्रॉपर फिट हो जाएगा। जैसे कि रिपीटिंग से दोस्तों ये लूज़ नहीं होगा, ये प्रॉपर फिटिंग में रहेगा। दोस्तों देखिए, ये रिपीट गन, इसे हम रिपीट कर देते हैं अच्छी तरह से। इसके चारों होलों पे रिपीट मारेंगे। ये देखिए, हमने इस पर चार रिपीट लगा दिए हैं, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से मजबूत हो गया है, अब ये निकलेगा नहीं। हम डोर लगा के देख लेते हैं प्रॉपर हमारा डोर स्टॉपर लगा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, प्रॉपर डोर स्टॉपर फिटिंग हो चुकी है। ये देखिए, डोर भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि रिपीट गन से रिपीट कैसे लगाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं रिपीट गन। ये देखिए दोस्तों, ये है रिपीट गन। ये है इसकी रिपीट। ये देखिए दोस्तों, ये पैनल के अंदर, जैसे पैनल जब कोल्ड रूम में इंस्टॉल करते हैं तो पैनल लगाते हैं, तो इसमें ऐसे रिपीटिंग करते हैं, तो यही रिपीट होती हैं। दोस्तों हम इसको रिपीट को कैसे फिट करेंगे ये बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ड्रिल मशीन से रिपीट के साइज़ का ही आप इसमें होल कर लीजिए, जिससे कि रिपीट अच्छी तरह उसमें चला जाए पूरा। इसमें गन में इस तरह लगा के इसको ऐसे प्रेस करिए। ये देखिए दोस्तों, रिपीट इसमें फिट हो गया है, अब ये निकलेगा नहीं दोस्तों। दोस्तों इसके जो ऊपर का पिन रहता है वो टूट जाता है और रिपीट इसके अंदर बैठ जाता है पफ पैनल के अंदर। देखिए दोस्तों, ये पिन जो रहता है, ये बाकी का हिस्सा जो निकल के गिर जाता है कट के, बाकी जो रिपीट रहते हैं वो अंदर चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने इसमें रिपीट लगाया, इसको जब हम प्रेस करते हैं तो रिपीट का ऊपर का हिस्सा जो रहता है, ये देखिए, ये फूल जाता है और रिपीट अंदर टाइट हो जाता है पैनल के अंदर, जिससे कि ये निकलता नहीं है आसानी से, और इसकी जो पिन रहती है वो कट के निकल जाती है। तो दोस्तों अगर आप कोल्ड रूम का या रेफ्रिजरेशन का काम सीख रहे हैं या काम सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।